हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड आई एम आई एम बी बी एस इंटर्न नाउ, क्योंकि मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं एंड मैं पास भी हो चुका हूँ क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है। तो मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, सो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अपने जितने भी मेडिकल के फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर कर देना, दबा के शेयर करना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मॉडल है हर्ट का जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको समझाने के लिए, ब्लड सप्लाई ऑफ हर्ट। और उसके अलावा हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करेंगे जो आपको वीडियो में पता चलेगा आगे। सो स्टार्ट करते हैं ब्लड सप्लाई हर्ट के साथ। तो हमें पता है हमारे हर्ट के अंदर चार चैम्बर्स होते हैं, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको बड़ी सी दिख रही है रेड कलर में, ये मैंने बनाई है एओर्टा, और जो आपको ये दो ऐसे ब्लू कलर में जाते हुए दिख रही है हमारा पल्मोनरी ट्रंक, या फिर आप बोल सकते हो पल्मोनरी आर्टरी। इन सब के बारे में आपको पता होगा, ये बेसिक्स हैं हर्ट के। तो कोरोनरी आर्टरीज की हम बात स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास दो कोरोनरी आर्टरीज होती है, ये तो पता ही है कि कोरोनरी आर्टरीज टू इन नंबर होती हैं, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरीज निकलती कहाँ से हैं? तो जो हमारी एओर्टा होती है, एओर्टा में भी मैं स्पेसिफाई करूँ तो जो असेंडिंग एओर्टा होती है, असेंडिंग एओर्टा मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, जब एओर्टा जो एओर्टा निकल रही है बाहर उसको बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा, इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, जो नीचे जा रही है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। तो जो ये असेंडिंग एओर्टा जो है यहाँ से निकलती है हमारा, मतलब एक ये मैंने जो सर्कल बनाया ये आगे की तरफ है, इसको बोलते हैं एंटीरियर एओर्टिक साइनस। तो दो हमारे पास डायलेटेशन होती है, दो डायलेटेशन होती है हमारे पास, डायलेटेशन है, मैं गलती डायलेशन लिख दिया, जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक साइनसिस। इन एओर्टिक साइनसिस से जो है अराइज होती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज। तो एक एओर्टिक साइनस आगे की तरफ होता है और एक होता है पोस्टेरियर मीडियली, ठीक है। जो एंटीरियर वाला होता है उससे निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, और जो पोस्टेरियर मीडियल होता है उससे निकलते हैं लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। तो ये मैं आगे आने वाले नोट्स में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पूरा ओवरव्यू लेंगे, मतलब पूरा आपको समझा दूंगा ब्लड सप्लाई ऑफ हर्ट, और उसके अलावा लिखना क्या है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से ब्लड सप्लाई ऑफ हर्ट समझ आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हर्ट के लिए मैं आपको अब एक दूसरे डायग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम समझते हैं कि उस डायग्राम तक हम कैसे पहुँचेंगे उसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है ये है हर्ट का एंटीरियर सरफेस, मतलब एंटीरियर सरफेस नहीं, एंटीरियर व्यू। जब आप आगे से देखोगे तो हमारा हर्ट ऐसे दिखाई देता है, पीछे से देखोगे तो ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस पे आने से पहले मैं आपको ओरिजिनल जो डायग्राम है हर्ट का वो दिखाता हूँ, ये तो मैंने मतलब समझाने के लिए बनाया है, ओरिजिनल डायग्राम दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है आपको हार्ड कॉपी दिखा देता क्योंकि मेरे पास नोट्स थे प्रेप के, लेकिन जो अभी जो नए नोट्स रिलीज हुए हैं रिसेंटली नेक्स्ट एडिशन वाले, वो मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है। सो अभी मैं आपको बेसिकली सॉफ्ट कॉपी से बता देता हूँ थोड़ा। सो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये नए नोट्स जो हैं रिलीज हुए हैं, इनकी मेरे पास मतलब हार्ड कॉपी अभी तक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट कॉपी है। तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये हर्ट का डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारा हर्ट का ओरिजिनल डायग्राम है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ ये इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले हर्ट का जो जैसा हर्ट रियलिटी में दिखता है वो आप हम देख लेते हैं। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ये छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये है हमारे पास राइट एट्रियम, ऊपर से आ रहा है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, नीचे से आ रही है इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये राइट एट्रियम है, ये एंटीरियर व्यू है हर्ट का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको बीच में एक पिंक कलर, इधर पिंक कलर का और दिखाई दे रही है चीज़, ये है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये पिंक कलर का क्या था, राइट एट्रियम, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियम के जस्ट इधर जो ये आपको रेड कलर की एक आर्टरी जा रही है, ये है हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी। तो मैंने आपको बताया दो कोरोनरी आर्टरी होते हैं, एक आगे ये एओर्टा है हमारे पास, ये बड़ी सी जो दिख रही है एओर्टा है, इसके आगे से ये आ रही है और यहाँ पे जा रही है, इसको हम बोलेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी। और मैंने दूसरा कहाँ से बोला था, दूसरी होती है पोस्टेरियर मीडियली। तो जो एओर्टा के इधर से आपको जो निकलते हुए दिख रही है ना ये पीछे की तरफ से, ये है हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो लेफ्ट पे बाद में आएंगे, तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया हमारे पास राइट वेंट्रिकल, और इसके इस तरफ मतलब ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थी उसके जो लेफ्ट साइड में जो बचा ये वाला पार्ट, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एंटीरियर व्यू, अगर आप देखोगे हर्ट का, तो एंटीरियर व्यू ऑफ हर्ट में आपको दिखेगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आगे से आपको तीन ही चीज़ दिखाई देती है बेसिकली हर्ट में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम जो है वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, इधर जो आपको दिखाई देगा ये लेफ्ट एट्रियम है, बहुत छोटा सा, इतना मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई देता आगे की तरफ से, ठीक है। तो इस डायग्राम पे हम बाद में दोबारा आएंगे, अभी हम वापस चलते हैं हमारे इस वाले डायग्राम पे। तो इस वाले डायग्राम में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था जो मैंने अभी आपको समझाया। तो आइए एंटीरियर व्यू है हमारे हर्ट का,
तो आगे से हमको तीन चीज़ दिखाई देती है, एक है राइट एट्रियम, एक है राइट वेंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यही चीज़ मैं आपको उस डायग्राम से दिखाया हूँ, आगे की तरफ तीन चीज़ दिखाई देती है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ आ गया होगा। ऊपर जो मैंने ये मतलब इस डायग्राम को ईजी करने के लिए मैंने बनाया है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से ऐसे एओटा जारी होती है, ऐसे करके ऐसे ऊपर से आती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाती है एओटा हमारी ऐसे, ठीक है। तो ये एओटा मैंने नहीं बनाई इसमें जानबूझ के, क्योंकि डायग्राम थोड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जो ये ऐसे करके मैंने बनाए हैं, ये मैंने बनाया पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। तो अब आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा कि आगे की तरफ से हमारी हार्ट में तीन चीज़ होती है। इस वाले अगर आप इस वाले मॉडल में भी देखोगे तो आपको यही चीज़ दिखाई देगी, एंटीरियर व्यू है हमारे हार्ट का। तो आगे से आपको क्या दिखाई देगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। और दूसरा ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे एक बीच में एक और लाइन आएगी, वो क्या होगी हमारे पास, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यही मैंने यहाँ पे बनाई है और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सेप्टम बोलो या ग्रूव बोलो एक ही बात है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये क्या है हमारे पास, एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। और ये जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में एक और लाइन मैंने बनाई है, ये हमारे पास एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर, आगे की तरफ से देख रहे हैं तो क्या हो गया, एंटीरियर। तो मैंने दोनों में एंटीरियर वर्ड भी यहाँ पे जोड़ दिया है। पीछे से अगर हम देखेंगे तो पीछे से अगर आप, अब मैं इस मॉडल में आपको दिखा देता हूँ, पीछे से अगर आप देखोगे तो पीछे से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पीछे से आपको दिखाई दे रहा है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, चारों चीज़ दिखाई दे रही है पीछे से। मेजोरिटी होता है पीछे में लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, तो पीछे में मेजोरिटी जो सरफेस है वो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का। राइट एट्रियम भी थोड़ा बहुत होता है और राइट वेंट्रिकल भी थोड़ा बहुत होता है, जैसे आगे की तरफ प्रीडोमिनेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो आगे की तरफ प्रीडोमिनेंट क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पीछे की तरफ प्रीडोमिनेंट क्या है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो पीछे वाले सरफेस में मैंने चारों चीज़ दिखाई है, जैसा कि मैंने आपको मॉडल में दिखाया, लेफ्ट एट्रियम भी है, राइट एट्रियम भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी है और राइट वेंट्रिकल भी है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमारा हार्ट ना ऐसे स्ट्रेट नहीं होता पीछे से देखने में, हार्ट का अगर आप साइड से देखोगे साइड व्यू तो वो कुछ इस तरह का होता है। पीछे की तरफ उसका बेस होता है, एक नीचे डायफ्राम के ऊपर उसका टिका होता है, उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो हाथ को कैसे मोड़ूँ मैं, चलो इसी में समझ लो। तो हमारा हार्ट कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है, ये होता है डायफ्रामेटिक सरफेस, ये होता है बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो बेस ऑफ द हार्ट जो है वो बनाता है कौन, वो बनाता है एट्रियम मिलके, दोनों एट्रियम मिलके क्या बनाते हैं, बेस ऑफ द हार्ट पीछे में। और जो नीचे वाला पार्ट है ये जो डायफ्रामेटिक सरफेस, ये बनता है हमारे वेंट्रिकल्स से। तो नीचे मैंने दिखाया डायफ्रामेटिक सरफेस, पीछे की तरफ मैंने दिखाया बेस ऑफ द हार्ट। बेस ऑफ द हार्ट बनाया किसने, बेस ऑफ द हार्ट बनाया लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम ने। और नीचे डायफ्रामेटिक सरफेस किसने बनाया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ने। और सामने से जो आपने सरफेस देखा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस। मैंने SC सरफेस लिखा है, मतलब स्टर्नोकोस्टल सरफेस, क्योंकि एंटीरियर सरफेस के आगे की तरफ स्टर्नम होती है और कोस्टल मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी समझ आ गया होगा जितना मेरे को लग रहा है, इससे ज़्यादा इस बारे में बोलूँगा नहीं मैं। अब इससे नेक्स्ट पड़ाव पर हम चलते हैं, वो है ये वाला पड़ाव, ठीक है। ये थोड़ा मैंने उसी डायग्राम को जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला डायग्राम, इसको मैंने और थोड़ा एक ही डायग्राम में घुसाने की कोशिश की, मैंने एंटीरियर और पोस्टीरियर को एक ही डायग्राम में मर्ज करने की कोशिश की है, तो उसको समझते हैं अभी हम, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था आगे की तरफ से राइट एट्रियम था, राइट वेंट्रिकल था और लेफ्ट वेंट्रिकल था, तीन चीज़ थी, ठीक है। तो ये जो था दो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो था, इसको हमने क्या बोला था, एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो ये जो रन कर रहा है बीच में, ये क्या है, एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसको अगर हम पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे तो वो कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये पीछे की तरफ हमने ट्रेस करके इस तरह से बना दिया, पीछे की तरफ है इसलिए मैंने ब्लैक कलर में इसको डॉटेड बना रखा है, आप समझ जाओगे। तो ये एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है और ये जो पीछे की तरफ चला गया तो इसको क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। एट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों बोला पीछे में, देखो ध्यान से देखना, ये नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल का पार्ट हो जाएगा पीछे में और ऊपर वाला पार्ट एट्रियम का पार्ट हो जाएगा। तो एट्रिया और वेंट्रिकल को पीछे ये वाला ग्रूव कवर कर रहा है पीछे में, ठीक है, तो इसलिए इसको पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव बोला है मैंने। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे दूसरा हमने जो ट्रेस करते हैं, अब हम ये जो मैंने दो वेंट्रिकल के बीच में बनाया था, ये क्या था, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को अगर आप पीछे की तरफ ट्रेस करोगे, पीछे जाओगे, तो वो क्या बना देगा पीछे में, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। समझ आ गया होगा इतना। तो
ये जो मैंने सीधा लाइन बना रखी है ये एंटीरियर की है, और डॉटेड लाइन जो है वो पीछे में ऐसा दिखाई देता है, इतना आपको अब समझ आ जाना चाहिए। ये मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि अब जो डायग्राम हमारे पास आने वाला है वो मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम, मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं, दोनों को मर्ज किया हुआ जैसे मैंने ये डायग्राम दिखाया यही है, बस इस वाले डायग्राम में हम अब इसकी ब्लड सप्लाई को समझेंगे। तो इस वाले डायग्राम में हम ब्लड सप्लाई ऑफ हर्ट को पूरा कर देंगे और इसी इसी डायग्राम में खत्म हो जाएगी ये वाली वीडियो, और अगले वीडियो में हम फिर इसके नोट्स पे आएंगे कि लिखना कैसे होता है। सो इस डायग्राम में आपको कुछ नया नहीं दिखाई दे रहा होगा, सेम वही डायग्राम है जो मैंने अभी आपको बताया था, शुरू में भी दिखाया था ये वाला डायग्राम। तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे शुरू में बताई थी कि हमारे पास जो एओटा है, असेंडिंग एओटा, उसमें दो एओटिक साइनसेस होते हैं। एक एओटिक साइनस आगे की तरफ होता है जिससे हमारी कौन सी आर्टरी निकलती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी को मैं ऑरेंज कलर से दिखाऊंगा और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी को मैं ग्रीन से दिखाऊंगा, ठीक है। लेफ्ट को मैं ग्रीन से दिखाऊंगा, राइट को मैं ऑरेंज कलर से यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले हम राइट कॉर्नरी आर्टरी की बात करते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसका पाथवे देखते हैं कि कैसे कहाँ पर जाती है। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है वो यहाँ पर एंटीरियर एओटिक साइनस से निकली और ये कहाँ पर आ गई, तो मैंने अभी तक जितना भी बताया है ना आपको, वो सब चीज़ आपको इसके जो इसका पाथ जो है उसको ट्रेस करने में मदद करेगा। तो ये जो ब्लैक कलर में था ये मैंने क्या बताया था, ये मैंने आपको बताया था एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नरी सल्कस भी बोलते हैं। तो एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में हमारे पास राइट कॉर्नरी आर्टरी आ जाती है और ये नीचे की तरफ जाती है, जाती है, जाती है। राइट कॉर्नरी आर्टरी कहाँ पर रन कर रही है, राइट कॉर्नरी आर्टरी इज रनिंग इन द एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और वी कैन से इट एज कॉर्नरी सल्कस, ठीक है। तो ये नीचे गई और ये यहाँ पे पहुँच गई। अब यहाँ पहुँचने के बाद कॉरोनरी आर्टरी जो है मुड़ जाती है, ऐसे टर्न लेती है पीछे की तरफ, तो अब वो पीछे की तरफ चल रही है, मैं डॉटेड बना रहा हूँ, पीछे की तरफ चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में। तो मैं पाथवे क्या था हमारे पास, राइट कॉरोनरी आर्टरी नीचे आई, एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में रन किया और पीछे की तरफ चली गई। नीचे जाने के बाद पीछे की तरफ जाके आगे जाके राइट कॉर्नरी आर्टरी दो ब्रांचेस देती है, एक ब्रांच ऐसे आगे की तरफ जाती है और एक ब्रांच ऐसे नीचे की तरफ जाती है। तो अब मेरे को आप बताओ, ये तो यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में थी, एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये पीछे की तरफ कहाँ चली गई, पीछे की तरफ कहाँ पर गई है, ये पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये एट्रियम एरिया है पीछे में और ये वेंट्रिकल का एरिया है पीछे में। तो ये जो डॉटेड ब्लैक कलर में ये क्या है, पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, बता चुका हूँ पहले ही। तो अब हमारी कॉर्नरी राइट कॉर्नरी आर्टरी पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में गई है और वहाँ पे ये आगे जाके डिवाइड कर जाती है दो ब्रांचेज में। एक जो ब्रांच है वो ये वाली ब्रांच है, ये कहाँ रन कर रही है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में रन कर रही है। तो इस ब्रांच का नाम हो गया हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाली जो ब्रांच है वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी, इतना समझ आ गया। और दूसरी जो ब्रांच यहाँ पे रन कर रही है अभी, कौन से उसमें रन कर रही है, कौन सा ग्रूव है ब्लैक कलर में डॉटेड, ये हमारे पास है पीछे की तरफ है क्योंकि डॉटेड है पोस्टीरियर, किस किस के बीच में है, पीछे में दो वेंट्रिकल के बीच में, तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में रन कर रही है। तो इस आर्टरी का नाम भी उसी से पड़ा हुआ है, इसका नाम है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, मैं आईवी लिख रहा हूँ, आईवी मतलब इंटरवेंट्रिकुलर, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इतना समझ आ गया। तो राइट कॉरोनरी, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास राइट कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो राइट कॉर्नरी आर्टरी हमारे पास नीचे गई, उसके बाद ये पीछे की तरफ चली गई, कहाँ पे, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में, और आगे जाके दो ब्रांचेस दे दी, एक है हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी जो ये वाली है, और एक है हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो इसको हम बोल सकते हैं PIVA पाइवा, और इसको हम बोल सकते हैं AVNA, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स होगी इनकी, इतना समझ आ गया। तो ये हमारे पास हो गया राइट कॉर्नरी आर्टरी का। उसके अलावा राइट कॉर्नरी आर्टरी एक और ब्रांच देती है यहाँ पे जो ऐसे जाती है, कहाँ जा रही है, ये क्या है हमारे पास, जो बिल्कुल इधर क्या बन गया, एपेक्स ऑफ द हर्ट। तो ये हमारे पास एपेक्स ऑफ द हर्ट है यहाँ पे, तो इसको हम, ये हमारे पास कौन सी होगी, राइट मार्जिनल आर्टरी। तो राइट मार्जिनल आर्टरी आगे जाके सप्लाई करती है एपेक्स ऑफ द हर्ट को। एपेक्स कहाँ पे है, ये जो है हमारे पास, ये है एपेक्स ऑफ द हर्ट, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो ये तो हो गया राइट कॉर्नरी आर्टरी। अब मैं राइट कॉर्नरी आर्टरी का थोड़ा आपको इसमें भी दिखाऊं, तो जो हमारा राइट कॉर्नरी आर्टरी है, एक सेकेंड, तो ये हमारे पास राइट कॉर्नरी आर्टरी का थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे।
असेंडिंग एओर्टा सप्लाइंग बोथ द कोरोनरी आर्टरीज, हमें पता है कि असेंडिंग एओर्टा से ही दोनों कोरोनरी आर्टरी निकल रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी रन इन द राइट कोरोनरी सल्कस, ये हमें पता है। उसके अलावा ये सब चीज़ अभी बताऊंगा मैं, उसके अलावा पीछे जाके ब्रांचेस कौन सी दी है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी रन्स पोस्टीरियरली एंड गिव्स टू ब्रांचेस, एक हमारे पास हो गई आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी और एक हो गई पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है और यही चीज़ इसमें भी आपको दिखा दिया, तो ये हो गया राइट कॉर्नरी आर्टरी। अब हम चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की तरफ, तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी में ग्रीन पेन से दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आपको एओर्टिक साइनस दिखाई दे रहा है, ये है पोस्टीरियर मीडियल एओर्टिक साइनस, ये पीछे से जाती है, पीछे पोस्टीरियर में है एओर्टिक साइनस, तो मैं इसको डॉटेड दिखाऊंगा। ये आर्टरी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो पीछे से आती है, पीछे से घूम के ये आगे की तरफ आती है, ठीक है। तो अभी आगे की तरफ आ गई है, अब इसको डॉटेड नहीं बनाएंगे, आगे की तरफ ये आती है और ये रन करती है कहाँ पे, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, क्योंकि दो वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये वाला कौन सा सल्कस हो गया, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या फिर ग्रूव। तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या ग्रूव में रन करती है, ठीक है, नीचे जाएगी 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 जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसको ग्रीन पेन से ही मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास हो गई लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी पीछे से आती है और पीछे से आके टर्न करती है और आती है किसमें, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में, और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में आते ही लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है वो दो ब्रांच दे देती है यहाँ पे। तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी दो ब्रांच कौन कौन सी दी, एक ब्रांच तो मैंने बना दी है जो नीचे की तरफ गई, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी हमने यहाँ लिखा था, अब एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी हम इसको लिख देंगे, ये क्या है हमारे पास, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ए आई वी ए, ठीक है, पी आई वी ए पी वाई यहाँ पे था, ए आई वी ए आई वाई यहाँ पे है, ठीक है। तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी ने एक ब्रांच दे दी आगे की तरफ इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जो रन कर रही है, इसको हमने बोला एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये तो हो गई एक ब्रांच। उसके अलावा जो दूसरी ब्रांच इसने दी वो यहीं पे ऐसे यहाँ से निकलती है और पीछे की तरफ चली जाएगी, ठीक है, ये पीछे की तरफ घूम जाती है, तो ये घूम रही है, ठीक है। ये जो ब्रांच जो दी लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी की, जो ये वाली ब्रांच जो मैंने बनाई है, जो घूम रही है पीछे की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये पीछे की तरफ चली गई, तो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, पीछे की तरफ जाके ये जाके एनास्टोमोज कर जाती है, किसके साथ, ये कौन सी आर्टरी के साथ जुड़ रही है, किसके साथ इसका मिलन हो रहा है, तो वो है हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी के साथ। और कौन सी आर्टरी है ये, इसका नाम मैंने आपको बता दिया है, तो ये है हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यही एक अलग सा नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। उसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊँ, तो जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, इसको हम राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोलते हैं, आर ए डी, राइट एंटीरियर डिसेंडिंग, फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, तो राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोलते हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को याद रखना। अब एक चीज़ जो आपको मस्त सी दिखाई देगी ना यहाँ पे, कि जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी नीचे गई, नीचे जाके ये भी पीछे की तरफ घूम जाती है, और पीछे जाएगी तो डॉटेड बनाऊंगा इसको मैं। अब ये किस चीज़ में रन कर रही है, तो जो हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये रन करती है पीछे की तरफ जाके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये कौन सा ग्रूव है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, इसमें रन करती है और ऊपर जाके एनास्टोमोज करती है, किसके साथ, ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर से हमारे पास आ रही है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और ये कौन सी है ग्रीन कलर में, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो इन दोनों का यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो जाता है और यहाँ पे हो रहा है दूसरों का एनास्टोमोसिस। तो दो एनास्टोमोसिस मैंने आपको दिखा दिए हैं, एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी का, और दूसरा आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का, दो चीज़ होगी। उसके अलावा एक और ब्रांच यहाँ से निकलती है, जो लेफ्ट कॉर्नरी है वो एक और ब्रांच देती है राइट कॉर्नरी की तरह, जो यहाँ पे जाके एपेक्स ऑफ द हर्ट को सप्लाई करेगी। अब इसका नाम आप खुद ही गैस कर लोगे, ये राइट मार्जिनल आर्टरी था, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ब्लड सप्लाई, तो मोटा मोटी ब्लड सप्लाई मैंने आपको दिखाई यहाँ पे। अब इसको दोबारा जल्दी से दिखाऊँ, तो हमारे पास राइट कॉर्नरी आर्टरी नीचे गई, नीचे गई, नीचे जाके पीछे की तरफ गई, और पीछे की तरफ जाके दो ब्रांचेस दे दी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। उसके अलावा एक और ब्रांच दी एपेक्स ऑफ द हर्ट के लिए, वो है हमारे पास राइट मार्जिनल आर्टरी, ये हो गया राइट कॉर्नरी। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी पीछे से आती है, आगे की तरफ आई और तीन ब्रांचेस दे दी, एक ब्रांच गई ऐसे किसमें, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में गई, और पीछे की तरफ जाके किसके साथ एनास्टोमोस कर ली, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ।
दूसरी ब्रांच ऐसे घूम के पीछे की तरफ गई और किसके साथ एनास्टोमोसिस की, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी के साथ, इसको हमने बोला सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और तीसरी ब्रांच एपेक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई करने गई जिसको हमने बोला लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। तो ये इस डायग्राम में आपको पूरी ब्लड सप्लाई ऑफ हर्ट यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ये पूरी ब्लड सप्लाई ऑफ हर्ट है जो मैंने आपको दिखाई है। अब जल्दी से एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी आर्टरी कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है, ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है, ये यहाँ पे रन कर रही है, किस किस को सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करेगी यहाँ पे राइट एट्रियम को भी सप्लाई करेगी और लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करेगी। देखो बीच में लाई कर रही है दो के, किस किस के बीच में लाई कर रही है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो ये सप्लाई करती है राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को। राइट एट्रियम में दो चीज़ें होती हैं, एस ए नोड, ए वी नोड, तो उन दोनों को भी सप्लाई कर देगी। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। एक है हमारे पास लेफ्ट बंडल ऑफ इस, राइट कॉर्नरी आर्टरी है लेकिन सप्लाई कर रही है लेफ्ट बंडल ऑफ इस को, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पोस्टियर वन थर्ड को, ये भी मैं आपको डायग्राम में समझा दूंगा अभी। उसके अलावा एपेक्स ऑफ द हर्ट को तो सप्लाई कर ही रही है उसकी राइट मार्जिनल आर्टरी वाली ब्रांच, ठीक है, और एक सप्लाई कर रही है इंटर एट्रियल सेप्टम को। तो पूरी इंटर एट्रियल सेप्टम को राइट कॉर्नरी सप्लाई कर रही है लेकिन इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसके सिर्फ पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट को सप्लाई कर रही है। तो ये हो गया राइट कॉर्नरी आर्टरी की सप्लाई। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की सप्लाई की बात करें तो लेफ्ट किसको करेगी, राइट वाली राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को कर रही है, तो लेफ्ट वाली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को करेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा सब चीज़ें यहाँ से कोरिलेट होंगी, राइट वाली लेफ्ट बंडल ऑफ इसको कर रही थी, लेफ्ट वाली राइट एंड लेफ्ट दोनों बंडल ऑफ इसको करती है, दोनों को करेगी, ठीक है। राइट वाली कर रही थी पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो लेफ्ट वाली किसको करेगी, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट वाली एपेक्स ऑफ द हर्ट को कर रही थी, लेफ्ट वाली भी एपेक्स ऑफ द हर्ट को कर रही है, ये भी आपको दिखा दिया मैंने लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी के थ्रू। इंटर एट्रियल सेप्टम को बस लेफ्ट वाली सप्लाई नहीं करेगी, इंटर एट्रियल सेप्टम को, पूरी इंटर एट्रियल सेप्टम को राइट वाली सप्लाई करेगी। इसको करेक्ट कर लेना, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है, ठीक है, LAD बोलते हैं इसको, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके अलावा अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, राइट कॉर्नरी आर्टरी इज द मेन सप्लाई टू ऑल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम इन द हर्ट एक्सेप्ट। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी मैंने आपको बताया किस किस को सप्लाई करती है, तो उसमें अगर आप देखोगे इसमें दे रखा है एस ए नोड, ए वी नोड, ए वी बंडल और राइट बंडल ब्रांच। तो ये नीट PG का क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने पढ़ लिया तो अब हमें इजी लगेगा सब कुछ। तो एस ए नोड, ए वी नोड, ए वी बंडल और राइट बंडल ब्रांच, तो मैंने बताया कि एस ए नोड को भी करती है, ए वी नोड को भी करती है, ए वी बंडल को भी करती है, राइट बंडल ब्रांच को नहीं करती, वो लेफ्ट बंडल ब्रांच को सप्लाई करती है, राइट वाले को लेफ्ट वाली कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है कि ए वी बंडल इज सप्लाइड बाय द राइट कॉर्नरी आर्टरी, मेजोरिटी पार्ट जो है वो राइट कॉर्नरी सप्लाई होता है उसका, राइट बंडल ब्रांच इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। सो नोट्स वगैरह की जो है कि कैसे लिखना है वो सब बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी हर्ट की जो है ब्लड सप्लाई का पूरा ओवरव्यू दे दिया, ओवरव्यू क्या पूरा समझा ही दिया है, बस नोट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो ऐड कर देंगे। एक दो चीज़ देखेंगे जैसे कि कार्डियक डोमिनेंस बचा है, ये कार्डियक डोमिनेंस वाला टॉपिक बचा है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको ब्लड सप्लाई हर्ट समझाने की कोशिश की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।